छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम और औ से औरत। बचपन से हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में हमने यही पढ़ा है। स्त्री को औरत कह के बुलाना हमें बड़ा आसान लगता है। सैकड़ों साल की गुलामी ने हमारी जबान पर ये शब्द चढ़ा दिया है। नारी या स्त्री बोलना थोड़ा मुश्किल है, लाइक टू मच ऑफ हिंदी। एक मिनट के लिए मुझे ध्यान से सुनिए और फिर तय कीजिए कि आपके जीवन में जो स्त्रियां हैं, आपकी माँ, आपकी धर्मपत्नी, आपकी बहनें, क्या उन्हें औरत कहना ठीक है। औरत शब्द 16th सेंचुरी में हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले हम स्त्री या नारी ही बोलते थे। आया कहाँ से ये शब्द? अरबिक लैंग्वेज से, अरबी भाषा, जो आक्रमणकारी अपने साथ लेकर भारत आए थे। अरबी में एक शब्द है अवरा। इसके दो अर्थ हैं, इंग्लिश में जेनाइटल्स और न्यूडिटी, हिंदी में योनि और नग्नता। तो जिसके पास अवरा है यानी योनि है, फीमेल जेनाइटल, वही औरत है। औरत यानी एनीवन हु हैज अ वजाइना। इस डेफिनेशन से आपको घिन आ रही है? मुझे भी आ रही है। एक स्त्री को सिर्फ उसकी योनि से जोड़ के देखना, उसकी नग्नता से जोड़ के देखना, उसके पूरे व्यक्तित्व को छोड़कर सिर्फ शरीर के एक भाग पर फोकस करना, क्या हमारी सोच इतनी छोटी है? हमारी नजर इतनी तंग है? क्या हमारे लिए स्त्री का अर्थ सिर्फ उसकी योनि है? मनुस्मृति की आलोचना करने में कुछ लोग सबसे आगे रहते हैं। वही मनुस्मृति जिसमें लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन उन्हीं लोगों को औरत शब्द में कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से औरत शब्द हटा दिया जाए। लेकिन ये परिवर्तन तो जब होगा तब होगा। आप अपनी भाषा अभी और इसी वक्त बदल सकते हैं। औरत शब्द का अर्थ आप जान चुके हैं, क्या इसके बाद भी आप अपनी पूजनीय माताजी को औरत कह के बुलाएंगे या उनके लिए स्त्री और नारी जैसे गरिमामयी शब्द प्रयोग करेंगे? मैं आपको छोड़ता हूँ।